लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है और पूरे देश की नजर दिल वालों का शहर कहे जाने वाले देश की राजधानी दिल्ली पर है। दिल्ली पर नजर इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में जादू चलाने वाले केजरीवाल का मैजिक पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में फेल रहा। 2014 और 2019 दोनों बार बीजेपी ने सातों सीटों पर परचम लहराया। फीसदी मुस्लिम आबादी वाले राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की चार ऐसी सीटें हैं जिसमें मुसलमान वोटर गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल भाईजान के लिए कितने बेमिसाल, सबका साथ सबका विकास योजनाओं से भाईजान को कितनी आस। आज सारी बात होगी और बात होगी देश की राजधानी से, दिल्ली से। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का स्पेशल शो मोदी और भाईजान। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम पुरानी दिल्ली पहुंची और जाना कि 2024 में भाईजान के दिल पर किसका जादू चलेगा। देश के मुसलमान क्या सोचते हैं मोदी सरकार के 9 साल के काम के बारे में। एक तरफ 2024 की तैयारियां देखी जा रही हैं और वहीं मोदी सरकार के 9 साल पर भी चर्चा हो रही है। देश का मुसलमान क्या सोचता है, सबका साथ सबका विकास योजनाओं पर भाईजान को कितनी आस है। दिल्ली की कुल आबादी 1,67,00,000 है। दिल्ली में हर 8वां वोटर मुस्लिम है। अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी 23% है। पूर्वी दिल्ली में 16%, चांदनी चौक में 14%, उत्तर पश्चिम दिल्ली में 10%, साउथ दिल्ली में 7%, पश्चिमी दिल्ली में 6% और नई दिल्ली में 5% आबादी मुस्लिम है। मोदी और भाईजान की स्पेशल सीरीज के लिए आज हमारी टीम पहुंची है दिल्ली, और वो भी पुराने दिल्ली। देश की राजधानी का मुसलमान क्या सोचता है, पुराने दिल्ली जिसे दिल्ली का दिल कहते हैं। यहाँ पर स्वाद भी है, यहाँ स्वैग भी है, और पुरानी दिल्ली का भाईजान मोदी के 9 साल पर क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या राय रखता है, ये भी जानेंगे। मोदी के 9 साल भाईजान के लिए कितने बेमिसाल, पुरानी दिल्ली के इलाके के मुसलमान, पुरानी दिल्ली के भाईजान क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हो, क्या युवाओं के लिए क्या राय है? मोदी जी का अच्छा जो सोच है, जो विचार है, हम लोग का भी है। मोदी अच्छा सरकार है, वो ठीक से देश चलाते हैं। आगे हम लोग चाहते हैं जो देश को आगे लेके जाए। बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई अल्पसंख्यकों के लिए। बिल्कुल चलता है, बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। अच्छा, देखिए विपक्ष लेकिन हमेशा ये सवाल उठाता है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो काम सही से नहीं कर रहे हैं और एंटी मुस्लिम है मोदी, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। विपक्ष का काम ही बोलता रहना। मैं चाहता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है ना, वो मोदी जी जो है वो अपने काम के अनुसार काम गिनाए पब्लिक को, जैसे आयुष्मान भारत योजना, और हमें एक तरीके से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर जो आगे बढ़े ना, इसी विजन के तहत 2024 का इलेक्शन लड़ा। सबका साथ सबका विकास, सही बोल रहे हो जी? बिल्कुल। या डर के तो नहीं बोल रहे? हाँ जी, डर किसका हमें। कुछ नेता बाहर जाके बोलते हैं कि मुसलमान डर रहा है भारत का। ना ऐसा कुछ ना। डरता तो नहीं है आपको? डर तो नहीं लगता? नहीं डर किसी तो ऐसे बयानबाजी लेकिन तो आती है। ऐसा कुछ ना, ठीक है, सब सब बढ़िया। विदेशों में मोदी का डंका बजा, आपको सुनाई दिया? सबको सुनाई दिया ये बात का। अच्छा। तो सबका यही राय है, तो हमारा भी यही राय है। मेरी राय तो ये है कि बेस्ट। अच्छा। मोदी जी और अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम नेता विपक्ष के हो, बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, यहाँ बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों, हिंदुओं को और सब लोगों में नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। कैसा है? कुछ नेता है और... नहीं, हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं है, मोदी जैसा नेता है। कुछ नेता है जो हमारे भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, बस उन पे एक्शन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। विपक्ष कहता है ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, वो तोता है बीजेपी का, तो उस पर आपका क्या कहना है? सही है जो काम हो, एक्शन जो हो रहा है वो होना चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए, या ईडी का एक्शन जो है
वो सब इस्तेमाल किया जाता है। आपका क्या सोचा? होना चाहिए एक्शन, होना चाहिए। कोई भी बदमाश हो, किसी भी कौम का हो, बदमाश के खिलाफ एज पर लॉ एक्शन होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी योजना है जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया हुआ है आपको? जितनी भी भारत में योजना आई है मोदी जी के टाइम में, वो सारी योजना अच्छी है और सभी कौमों के फायदा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब यहाँ मिल के रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम, कोई यहाँ पे बैर है ही नहीं किसी बात का। भाई भाई है सब, सब हिंदू मुस्लिम सिख है, हमने हम लोगों ने बनाया ही है। हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, हम वो है, सब भाई भाई एक है। इसी पे मैं एक शेयर कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। क्या बात है? कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। क्या बात है? आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, इनका पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है और इन्हीं योजनाओं को अपनी गिना के मोदी जी आगे बढ़े। भाईजान के मन की बात अब पुराने दिल्ली से गूंजेगी, आपके स्क्रीन तक पहुंचेगी। आइए चलते हैं पुराने दिल्ली के किसी और गली में। मोदी और भाईजान की सीरीज में अब हम आ पहुंचे हैं पुराने दिल्ली के बल्ली मारान में। बल्ली मारान में 9 साल मोदी जी के आपके लिए बेमिसाल। आप बेमिसाल, अच्छे काम किए मोदी जी ने। मोदी जी ने काम बहुत अच्छा कर रहा है, मगर कारोबार दिनों में बैठ रहा है। जो मोदी जी के नीचे है ना, वो लोग अच्छे नहीं है। मोदी जी का तो मुकाबला नहीं है, देश को कहाँ ले गए वो। मोदी जी को हर आदमी तारीफ करता है, उनके पीछे जो बैठे हैं लोग वो काम सही नहीं कर रहा है। मोहब्बत का शब्द आप यहाँ दुनिया को पिला रहे हो, और ये बताइए कि देश में हिंदू मुसलमान इनकी मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा है, जो हम ये जो शरबत जो पिला रहे हैं, हम सब अपने भाइयों के लिए, हिंदू मुसलमानों सबके लिए, सब में मोहब्बत फैले और मोहब्बत का शरबत फैल पिए हमारा और मोहब्बत फैलाएं। हमारा जो इंडिया जो है ना, सिर्फ मोहब्बत वाला ही देश है। क्या बात है? और मोहब्बत हमारी पूरी दुनिया का, इंडिया से ज्यादा कहीं मोहब्बत नहीं होगी। फोटो में आपने यहाँ पे राहुल गांधी जी को मोहब्बत का शरबत पिला दिया ये? जी सर, ये राहुल गांधी जामा मस्जिद शॉप पे आए थे। अच्छा। तो वहाँ पिलाया था। अब मेरी तमन्ना जो है मोदी जी के साथ है। अब राहुल गांधी तो लेकिन कहते हैं कि मोदी जी मोहब्बत नहीं नफरत फैला रहे। हम मोहब्बत कराएंगे ना, मोहब्बत फैलवाएंगे हम। सर सर हमारे पास आएंगे, अपने हाथ से मोहब्बत फैलाएंगे। मोहब्बत वाले तो सर हैं, और लेकिन हम और मोहब्बत कराएंगे उनसे। अजय बताइए, मोदी सरकार के 9 साल हो गए, 2024 में फिर से चुनाव आ रहा है, तो जितनी अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं हैं या जितनी देश में दुनिया में जितनी चर्चा हो रही भारत की, चाहे अर्थव्यवस्था की, जीडीपी की, महंगाई दर हमारी कम हो गई, जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी है, इस पर आपकी क्या राय, आपके अनुभव क्या है? मेरा कहना इसका मकसद जैसे कि यह है, जब दो आदमी होते तो एक आदमी उसमें अच्छा भी होता है और एक आदमी बुरा भी होता है। फिलहाल काम जो है नॉर्मल चल रहा है वक्त फिलहाल। मोदी मुसलमानों के भाईजान हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है डराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में बड़ी बड़ी हवेलियां भी हैं, जहां पर ट्रेडिशनल कपड़ों का, एक्सेसरीज का काम होता है। यहां पर डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सेसरी तैयार करने वाले, डिज़ाइनर कपड़े तैयार करने वाले भाईजान हैं। ऐसे ही एक बिल्डिंग में मैं पहुंचा हूं, और यहां पर जितने भी लोग मुझे देखे वो सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं। तो मोदी सरकार के 9 साल भाईजान के लिए कितने बेमिसाल? बहुत बेमिसाल है, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और ऐसे ही करते रहे, देश को आगे ले जाए, यही चाह रहे हैं। तो मोदी सरकार में मुसलमानों को डर तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है ऐसे। भारत के मुसलमानों को भारत में डर लगता है? नहीं, किस बात का डर? एक हिंदुस्तानी ऐसी देश है जिसमें हर जात बसती है, इसमें क्या चीज़ का डर है? तो मोदी सरकार के 9 साल में हिंदू मुसलमानों के बीच में प्यार बढ़ा है या घटा है? सब मिलजुल के रह रहे हैं और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे मिलजुल के रहते हैं आराम से, प्यार से। मोदी जी आपके भाईजान हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मोदी भाईजान, जब से आया है बहुत खूब, बहुत चीज़ होने लगा है। मोदी भाईजान आया है तो ये हमारा ऐसा देश है जी, जहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं, सब भाई है यहाँ पे, सब एक जैसा मिल के जुल के रहते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा जगह है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी आ गए हैं तो नफरत बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये नफरत पब्लिक खुद बढ़ा रही है, आपस में ही करके बातचीत खुद बढ़ा रही है, मोदी के उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है मैटर। अच्छा। ये आम लोग खुद आपस में कर रखे, बाकी पब्लिक का। मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, इसको लेके भाईजान की क्या है आस, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक जी, हर चीज़ हो, विकास बहुत विकास हो रहा जी, पहले बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ है।
बहुत कुछ हुआ है अभी साफ सफाई पे, तो काफ़ी चीज़ हो गया साफ सफाई पे। जगह जगह गली मोहल्ले में CCTV कैमरे सब लग गए, गली गली में काफ़ी काम हुआ है, नाला रोड काफ़ी चीज़ हुआ है। 2024 में क्या लगता है आपको, मोदी जी के खिलाफ कौन है जिसमें इतनी ताकत है, खड़ा हो पाएगा, क्या खड़ा हो पाएगा, टिक पाएगा? देखिए मोदी साहब को जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि अच्छे पीएम है वो, हाँ वो सबको लेके चलते हैं। अब वो हर जगह तो नहीं रहेंगे, कहाँ घटना हुआ क्या हुआ वो तो हर जगह नहीं जाएंगे ना, उनके पीएम है ऑफिस में बैठेंगे, वो अच्छे सरकार है मोदी। अच्छा लेकिन ये बताइए, पूरी दुनिया में घूमते हैं तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं ना कि वो तो सिर्फ घूमते रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, क्या भारत, और दूसरी तरफ बात लोग ये भी करते हैं कि विदेशों में जाते हैं तो भारत का नाम रोशन करते हैं, आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल सही करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो उनका नाम दंगा बसता है, क्योंकि ऐसे नहीं जाते, कोई मकसद होता है, बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार बढ़ाना हो तब जाते हैं। पुरानी दिल्ली, देश की राजधानी, ये वो जगह भी है जहां से वर्ल्ड फेमस बटर चिकन का आविष्कार हुआ। मैं आपको ले आया हूं उसी रेस्टोरेंट में, उसी जगह, उसी किचन में चलेंगे जहां पर बटर चिकन का आविष्कार हुआ। उस खाने की सुगंध मुझे आ गई है, अब तस्वीरें आप तक जब पहुंचेंगी तो आपके मुंह में पानी अगर आ जाए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे और ना ही यहाँ के भाईजान होंगे। ये बताइए कि मोदी सरकार के 9 साल, आपकी इस पर क्या राय है? कुछ भी नहीं है, ऐसा जो है कि योजना वाले अभी दे रहे हैं, रेडी बटी वाले को दे रहे हैं, अभी 10,000 रुपये दे रहे हैं, अब जो है कि 20,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, और जो है कि रेडी पटरी वाले के लिए काम कारोबार के लिए दे रहे हैं ऐसी बात। जी जनाब बहुत बढ़िया, कोई सी बात, कोई दिक्कत नहीं। प्याज काटते हुए आंसू आ जाते हैं लेकिन क्या करें मेरे जनाब, जरूरी है। तो मोदी सरकार की वजह से भाईजान की आंखों में आंसू आते हैं क्या, चेहरे पर मुस्कान आते? चेहरे मुस्कान आते मेरे जनाब। अच्छा जरूर। अच्छा कुछ लोग तो बोलते हैं कि मुसलमान रो रहे हैं मोदी जी के। अरे मेरे सरकार कोई सी बात नहीं, रोने वाले रोते हैं, जो गलत है वो रोते हैं, जो सच है ना सच के साथ ही चलते हैं। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, 9 साल मोदी सरकार हो गए हैं, तो मोदी सरकार बीजेपी के प्रति भाईजान की राय क्या है, मुसलमान की राय क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, सब बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा पहले मोदी आपके भाईजान बिल्कुल है, जैसा पहले था वैसा आज, कोई दिक्कत वाली बात जी बिल्कुल, मोदी जी भाईजान है हमारे, बड़े हैं हमारे। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत लाने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे ऐसा कोई बात नहीं है, नफरत लाने की बात नहीं है, सब भाईचारा अपने मन के बन गए, सब मिल गए, सब ऐसे कोई बात नहीं है। आइए आप सबका साथ सबका विकास का जो नारा है क्या वो सच है? सच है, सबसे सच है, सच है। किसी दबाव में नहीं? नहीं कोई दबाव नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं? नहीं 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 गलत किया बिल्कुल। क्या सबसे अच्छा लगता है मोदी जी के बारे में? बहुत कुछ अच्छा लगता है, जैसे एक वो काम बहुत सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मोदी भाईजान मेरे हैं और मैं मोदी भाईजान का हूँ। दिल्ली में आविष्कार मोहब्बत का भी हुआ है, आपसी भाईचारे का भी हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? जो आपने बताया जो हुआ है वो हमारे मोदी जी की वजह से हुआ है। अच्छा। जो मिलनसारी बड़ी है, जो उसमें हुआ है आज, जो भी कुछ हुआ है बहुत कम टाइम में ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं था। जो अब मिलनसारी है, आपस में बातचीत करते एक दूसरे से, सब इसी वजह से हुआ है। विदेशी मीडिया कुछ ऐसी ताकतें ऐसी बात करती हैं कि भारत में मुसलमानों को डर लगता है, क्या ये सच है? नहीं। ऐसी ताकतों को क्या कहना है? वो गलत गलत प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोग। घर घर में बिजली भिजवाई है, वाटर कनेक्शन दिए हैं और हाउसेस दिए हैं, टॉयलेट दिए हैं, ये मोदी जी के होते हुए हो गया है। और उन्होंने गुजरात में इतनी इंडस्ट्री लगवाई है जो कि किसी ने आज तक नहीं लगवाई है, ये आप जानते होंगे। पुरानी दिल्ली के जो भाईजान हैं और मोदी हैं, मोदी के 9 साल हैं, 2024 की तैयारी है, उस सब के बीच में भाईजान की क्या राय है, क्या सोच है, उनका क्या फीडबैक है, इससे तो हमने आपको रूबरू करवाया।